पाकिस्तान, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो लेकर आई हूँ जिसमें ऑयल से, तेल से हम आपको बहुत सारे तरीकों की के इलाज भी बताएंगे और मसाइल दूर करने के तरीके भी बताएंगे. बहुत ही वो कहते हैं ना, अफादियत से भरा हुआ शो है आज, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट के पास जाऊं, मेरे अपने घर में एक्सपर्ट है जो है मेरी माँ. मेरी माँ ने अगर बचपन से ही, यानी कि हमारे कभी कान में दर्द हुआ है, तो अम्मी ने क्या किए, कोई चीजें ऐसी की हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. अम्मी ने किसी भी तेल को लेती थी, उसमें लहसुन को जलाती थी, उसके बाद उसे ठंडा करके वो जो ऑयल है लहसुन का, एक कतरा कान में डाल दिया करती थी, तो उससे कान का दर्द खत्म हो जाता था. फिर हड्डियां मजबूत करने के लिए कोकोनट ऑयल से मालिश और धूप में ले जाती थी, ये भी अम्मी ने किया है. फिर कड़वे बादाम का तेल, बाल अच्छे करने के लिए कड़वे बादाम का तेल जो है ना, वो अम्मी ने लगाया है. तो बहरहाल बहुत सारे, और कड़वे बादाम के तेल से फायदा क्या, जुएं भी मर जाती थी तो वो भी निजात. तो ये तो मेरी अम्मी की चीजें होंगी, और बहुत चीजें अम्मी की जो कि मुझे शायद इस वक्त याद नहीं आ रही होंगी. लेकिन मैं अम्मी की भी नहीं और अब्बू की भी नहीं और बहन और भाई और मियाँ और बच्चे, इनकी चीजें आपको नहीं बता रही, बल्कि जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं ना, जो ये काम कर रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने लाख के तेल हैं, 12 लाख, तो 6 लाख, तो 3 लाख, तो शायद हम तेल की बर्नियां खरीद के क्या करेंगे, पूरे खानदान को तो नहीं हमने, मगर उनके पास वो पूरे पूरे कनस्तर, पूरी पूरी कहते हैं ना वो तेल की बॉटल्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिससे हम फायदा उठा सकते हैं. जितनी हमें चाहिए उतनी हम उनसे खरीद सकते हैं जाके. तो हमारे पास आज होंगे डॉक्टर ईसा, जो बताएंगे ऑयल से सारे राज. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमारी इनकी आधी से ज्यादा थोड़ी सी दुकान हमने अपने सेट पे ले ली, क्लिनिक इनका. ये देख सकते हैं, ये जो अलग अलग किस्म के ऑयल है, मुझे तो पता भी नहीं था इतने सारे ऑयल होते हैं. ये सारे ऑयल यहाँ रखे हुए आप देख सकते हैं. अभी हम 25% यहाँ लेके आए हैं अभी, और मेरे पास मोर देन 100 से ज्यादा ऑयल है. दुनिया में अगर कोई ऑयल नहीं मिले तो पाकिस्तान में आपको मुझसे मिले. और हमारे साथ एक और ऑक्सफोर्ड कह लूँ एक्सपर्ट, देखे जरा क्या हो रहा है मुझे, एक्सपर्ट डॉक्टर उम्मे राहील, जो कि डॉक्टर उम्मे राहील ऑयल से और भी सारी चीजें मिक्स करके चीजें बहुत सारी हमें बताने वाली हैं. मजेदार. ये तो हो गए हमारे दो एक्सपर्ट. आपको पता है जैसे घर घर में एक्सपर्ट छुपे हैं, हो सकता है आपके घर में कोई एक्सपर्ट हो, आपकी नानी दादी फुप्पी चाची, लेकिन हमेशा हम एक्सपर्ट को सोचते हैं कि उनके बालों में सफेदी जरूर होगी, चांदी जरूर होगी, थोड़ी सी एक्सपीरियंस, थोड़ी बुढ़ापे की तरफ कदम रखने वाली, या बुढ़ापे की बुजुर्ग खवातीन ही एक्सपर्ट होंगी. लेकिन यहाँ मेरे पास एक ऐसी खूबसूरत एक्सपर्ट जो आप जिनको एक्टिंग करते हुए भी देखते हैं, होस्टिंग करते हुए भी देखते हैं, माँ बने हुए भी देखते हैं, बीवी बने हुए भी देखते हैं, और दोस्त बने हुए भी देखते हैं, और अच्छी एक्ट्रेस तो वो है ही, मगर उनको इतनी सारी चीजें पता है, उनकी अम्मी से और बुजुर्गों से उन्होंने इतनी सारी चीजें ग्रैब की हैं अपने ऊपर, सारी अप्लाई की हैं, कि आप उनको देखते तो लगता है कि रिवर्स गियर लग गया, कि उम्र जो है वो आगे की बजाय पीछे जा रही है. आइए वेलकम करते हैं फिजा को. आज फिजा अली आज हमें एक्सपर्ट के तौर पे ज्वाइन कर रही हैं. अच्छा. हाँ, अपने ऊपर जो जो चीजें अप्लाई की हैं, बंदी पतली है, वैसी की वैसी है माशाल्लाह, बच्ची को भी देख रही होती है, उसके भी भाग रही होती है पीछे, अपना भी ख्याल रख रही होती है. और मुझे ऐसी और खवातीन औरतें यार, बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद औरत कहलाती है. मैं नहीं कहती औरत, क्यों कहूँगी, लड़की. मुझे ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती है, ये भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, ये भी लड़की. तो हम शुरुआत करें फिजा डॉक्टर ईसा के ऑयल से. okay. और तुमसे भी मैं वक्तन फवक्तन पूछती रहूंगी. आज और यहाँ से शुरू करें. डॉक्टर ईसा, सबसे पहले हम लोगों को दिखाएं ऑयल होते किस किस चीज के, क्योंकि मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत से आई है. फिजा और मुझे बताइए और लोगों को बताइए कि क्या क्या ऑयल है आपके पास और इसके फायदे क्या क्या है. ये टी ट्री ऑयल है. टी ट्री ऑयल के बेनिफिट्स बहुत हैं. हमारे यहाँ तो एक्नी के लिए बहुत मशहूर है, दाने दाना वाना हो जाए तो लगा दे. ओके. लेकिन टी ट्री ऑयल बालों की रीग्रोथ के साथ कैसे काम करता है, इसमें कौन सा ऑयल मिक्स होगा, ये हम बनाएंगे. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा जिंजर ऑयल आपको बड़ा, अदरक का तेल,
कैसे बनाया जा सकता है वो बता देंगे यहाँ पे, ताकि आप कम खर्चे इसका फायदा क्या अदरक के तेल? अदरक के तेल जो है, देखें ये जो आपके स्किन के पोर्स हैं हेयर्स के, जब वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो आप बहुत कोशिश करते हैं कि वो बाल सर में ना, सर के यहाँ, लेकिन निकलते नहीं है। अच्छा, तो ये बेसिकली आपकी लैंड जो जमीन है उसको सही कर रहा होता है, उसके बाद जो है ये बाल। अच्छा, उष्णा जो है एक हर्ब्स है जिससे निकलता है उष्णा, रोगन उष्णा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास निरोली रोगन उष्णा बेसिकली ऑयल्स है, और ये बालों की बहुत सारी रेसिपीज, बहुत सारे, देखें बाल सबके एक जैसे है नहीं, हम अपनी मर्जी से जितने भी ऑयल लगाते हैं कोई शक नहीं है, सरसों से लेकर प्रीमियम रोज यानी कि 400 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के ऑयल यहाँ मौजूद हैं, आप सब लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ऑयल आपको सूट करे। अच्छा, वो 12 लाख वाला बता देना पहले कौन सा है। वो मैं इतनी बड़ी बोतल नहीं लाया, मैंने कहा कहीं एक बोतल में वो तकरीबन 30-40 लाख रुपए का ऑयल होता है, तो थोड़ा सा लाया दिखा दूंगा। हाय हाय, वो छुपा के आ गए, एक बोतल गायब हो जाए तो मैंने कमाई गई। हाय हाय, क्यों हम चोर थोड़ी है। हाँ। अच्छा, ऑर्गन ऑयल, ये मोराक्को हमारी एक इस्लामी कंट्री है, अल्लाह ताला ने ये बीज उनको ही दिया है, दुनिया में मशहूर है ऑर्गन ऑयल मोराक्को। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये जो ब्लैक बोतल आप देख रही हैं, ये ओरिजिनल पैकिंग में आता है मोराक्को से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इस नाम से बेच रहे होते हैं, लेकिन कभी खरीदें तो ये बोतल जरूर देख लिया कहीं से भी ले। अच्छा, ये इस मौसम के लिए बेस्ट है, सर्दियों के लिए, इस मौसम में इसलिए कि इसमें ओमेगा 3 भरा हुआ है, ओमेगा 3, ठीक है। आप बालों पे लगाएं, जोजोबा के साथ मिक्स करके स्किन पे लगाएं तो बेहतरीन मॉइस्चराइजर है, एंटी एजिंग है। अच्छा। मतलब इसके मल्टीपल्स काम है। ओके ओके, रोजमेरी ऑयल ये बहुत सारा मशहूर है, ये एक ऑयल में मिक्स होगा। अच्छा, एक ऑयल में मिक्स होकर ये लगता है, और लोग डायरेक्ट भी लगाते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। रोजमेरी किस चीज से बनता है, मुझे आज तक नहीं समझा इसका नाम। हर्ब है, तो परफ्यूम्स में भी यूज होता है, ये एक फ्लावर है, एक फूल है, एक हर्ब में हम खानों में भी डालते हैं, इतरों में भी डालते हैं बहुत ज्यादा। और ये रोजमेरी बहुत फेमस है। अच्छा, ये वो वाला ऑयल है जी, इतर में डालने वाला नहीं, मतलब लोग डालते हैं परफ्यूम। देखें बहुत सारे ऑयल ऐसे भी आते हैं जो खुशबुएं आपको मिलती हैं, जैसे मैं रोज ऑयल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब 40 केजी एक मन ऑयल जब फूल लेंगे तो ज्यादा ज्यादा एक टेबल स्पून निकलेगा, तो फिर होगा ना 12 लाख रुपए का। एक्चुअली परफ्यूमरी में इस्तेमाल होते हैं, इनके ब्लेंड से ना एक परफ्यूम बनता है। कौन सा वाला? एसेंशियल ऑयल, जैसे टी ट्री हो गया, रोजमेरी हो गया, आपका रोज ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल है, साइप्रस है, जेरेनियम है, ये एसेंशियल ऑयल। और जो बेसिक ऑयल्स होते हैं वो कैरियर ऑयल है, जैसे अपना तिल का तेल है, जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, ये कैरियर ऑयल कहलाता है। अच्छा। ये कैरियर ऑयल है, और वो जो है एसेंशियल ऑयल है, एरोमेटिक ऑयल है। अच्छा। एरोमेटिक ऑयल उनको सबको मिक्स करके परफ्यूम बनाते हैं, डिफरेंट ब्लेंड्स होते हैं उनके, मतलब 4-4, 6-6 मिला के स्किन के साथ जज भी हो जाते हैं, अंदर स्किन में रह जाते हैं। हम इतनी इतनी डिटेल में नहीं जाते, समझ ही नहीं आएगी लोगों को, मुझे नहीं आ रही। तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तेल इसलिए डाला जाता है कि वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, और वो जो खुशबू हम कहते हैं ना कि भाई जिल्द के अंदर भर गई थी। हाँ। तो वो उसके अंदर भर गया। हाँ, सही कह रही। अच्छा अच्छा जी, एग ऑयल है, और सॉरी अलसी का तेल, अलसी का तेल, अलसी तो आप लोग मतलब बेहतरीन है खाने अगर इसके, और इसके अगर बेनिफिट सुन लें। हाँ। और खास तौर पर वो बहनें जो देख रही है हमारा शो। हाँ। जो मेनोपॉज में आ जाती हैं उसके। हाँ। बाद बड़े प्रॉब्लम होते हैं, यानी मेनोपॉज के बाद अलसी का तेल 1 टीस्पून डेली। हाँ। मतलब आपकी ये एज को खराब नहीं करेगा, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज नहीं करेगा, हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और हम बच्चों को अगर खाने में डाल के दे दें बहुत अच्छा है। जोजोबा ऑयल जो है ये उनाब रेड एक बेर आता है। अच्छा। बेर की तरह एक हर्ब है, हमारी नानी दादियां देती थी, ये इससे निकलता है। फिर स्नेक ऑयल, सांप का ऑयल। जोजोबा ऑयल किस लिए होता है? जोजोबा ऑयल बेहतरीन दुनिया में जो क्लीनर है। हाँ। स्किन क्लीनर वो ये है। अच्छा, कि जैसे अगर स्किन जो है वो मतलब दाने ये खास तौर पर जो ख्वातीन बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं। अच्छा, जिनका प्रोफेशन ऐसा है मेकअप उतारने जोजोबा से, इससे अच्छा कोई ऑयल नहीं है। अगर आप सर्च करें मतलब एज ए क्लेंजर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे स्किन का नेचुरल जो ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है, वो जोजोबा जो से बिल्कुल करीब तरीन होता है। अच्छा, अगर इसको लगाते तो एक्ने भी नहीं होगी, स्किन को हर तरह से सपोर्ट आपकी जितनी भी अरब कंट्रीज है या ईरान से लेकर अरब जितनी भी कंट्रीज है इस बेल्ट में, अगर ये खवातीन पाकिस्तान आती है कभी घूमते फिरते जब देख लेती है, कुछ खरीदे नहीं खरीदे सांप का ऑयल खरीदती है, और बाल देखे उनके घने और बेकार जगह होता, कहते चलो ऑयल को किस करके दिखाओ। अच्छा, ये
आप ये कह रहे हैं कि इससे बाल लंबे होते हैं? ये देखें, थोड़ा सा जब वेदर गर्म हो, अच्छा, तो इससे अच्छा कोई ऑयल नहीं है बाल घने करने के लिए। वेदर गर्म हो यानी कि गर्मियां हो, ये टेम्परेचर लेवल अगर जहां भी बढ़ा हुआ होगा वहां ज्यादा काम करेगा। इसकी तासीर ठंडी होती है, मतलब सर्दी में लगाएंगे तो ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा, तो ये गर्मियों में लगाना, गर्मियों में और वो जगह जहां जहां गर्म है। मकसद अक्सर कराची में लोग आते हैं लेने के लिए तो मैं अवॉइड करता हूं, उनको बताता हूं यहां नमी है, ठीक है, यही ऑयल अगर आप गर्मी के वाले इलाके में चले, फॉर एग्जाम्पल दुबई में इस्तेमाल करें, वहां तो पूरा बेल्ट हो रहा है। मैंने कहा ना, अरबी तो पूरा बेल्ट इस्तेमाल करता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ देम। मैं तुम्हें साफ का तेल सुनाऊंगी, तुम अभी नागिन बन जाओगी, श्रीदेवी बन जाओगी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, हाँ। ये बहुत सारे एक बीमारी है, एलोपेशिया और एक्जिमा। हाँ, एक्जिमा, इसका अभी तक दुनिया में इलाज नहीं है, चंद जड़ी बूटियां अल्लाह ताला ने उतारी हैं जिससे क्योर होता है, लेकिन आप उनकी स्किन देखेंगे वो ड्राई हो जाती है और इचिंग इतनी होती है कि बंदा अपना खून निकाल लेता है। हाँ, तो अगर आप उसके ऊपर स्नेक ऑयल लगा देते हैं, स्नेक ऑयल लगा देते हैं, जी जी, अच्छा, इसके मल्टीपल बेनिफिट है, तो ये आपको क्योर करने में बहुत जल्दी करता है। अच्छा, आपने कहा स्नेक ऑयल से बाल बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, आपने कहा कि एक्जिमा जो है एक्जिमा, वो स्नेक ऑयल से खत्म हो जाता है, सोरायसिस। असल में इसमें सारे ऑयल जो है ना ज्यादातर पीने और लगाने के ही हैं। अच्छा, अंदाज अलग हो जाता है। हाँ, और आप बताएंगे सब चीजों को एक साथ मिक्स करके, मिक्स करके जब हम रेसिपीज बना रहे होंगे और आपके पास पेशेंट आते होंगे तब भी आप उनको मिक्स करके ही देते होंगे, उनके मिक्स करके जो जो उनकी प्रॉब्लम्स है। और आज जो है ना व्यूअर के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है के? क्योंकि बहुत सारी खवातीन जब वो 40 में पहुंचती हैं, हाँ, उनको फिक्र हो जाती है कि झुरियां मेरी, हाँ, ना पड़े। हाँ, अच्छा, ये ऑयल पाकिस्तान तो में फिजा अभी तो बहुत टाइम उम्र पड़ी है पाकिस्तान में। हाँ, इनके राज बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, आपने हमारा क्या शनाख्ती कार्ड देख लिया? अच्छा, ये इसलिए न्यूज है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, देखें हर आदमी अफोर्ड नहीं करता। यूएसए यूके में हमने देखा कि $250 यानी कि पाकिस्तानी कोई तकरीबन 20-25 हजार रुपए बनते हैं। ये ऑयल हमारे यहाँ भी 20 हजार रुपए का बिकता है। अच्छा। लेकिन मैं उसके करीब करीब आपको जो बना के दे रहा हूँ, जो आपको घर में, कौन सा ऑयल, किसकी बात कर रहे हैं? एज रिवर्सिंग ऑयल। एज रिवर्सिंग, 60 के हैं तो आप रिवर्स हो गए, 40 में चले जाएंगे, यानी कि आपको 20 साल पीछे। आपको ये इंजेक्शन, आपको ये सारी चीजों पे जान छूट जाती है, रात को चंद कतरे लगाएं, सोएं, हाँ। 4 महीने के बाद आपके ये चेहरा पठानों की तरह सुर्ख सुर्ख होता है। क्या बात। अच्छा जी, नीम ऑयल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, और खास तौर पे ये जब से एक और बताऊंगा मेरे पास नीम हकीम खतरा जान, सिर्फ हाँ, नॉलेज दे रहा हूँ आपको। हाँ, कि पहले खवातीन आती थी बच्चों के लिए, हाँ, कि हमारे बच्चों की जुएं खत्म नहीं होती। हाँ, अच्छा, अब जब से सेल्फी बढ़ा है तो जुओं का तेल भी बढ़ गया है। क्या बढ़ा है? सेल्फी सेल्फी सेल्फी, यूं अच्छा, बाल यूं लगे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, जुएं ट्रांसफर हो रही है। एक आज इसका ऑयल बनाएंगे, क्योंकि ज्यादातर माएं निकालती है लेकिन उसके जो अंडे होते हैं वो हमेशा नीचे रहते हैं, वो नहीं मरते। जुओं के अंडे? जुओं के अंडे, लिखे मतलब? अच्छा, नहीं नहीं लिखे नहीं, तो नहीं, जुओं की छोटी फैमिली लिखे। आप तो बड़ा जानते हैं इस खानदान। अच्छा, और जुओं की बड़ी फैमिली पता क्या होता है? पिल्ले। पिल्ले, ये क्या हो रहा है? सुबह लोग चाय पी रहे, अंडे खा रहे, नाश्ता कर रहे, क्या हो गया आप लोग? भाई, माएं बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि आप निकाल निकाल के थक रहे हो, खत्म नहीं हो रही। आप सही, आज ऑयल वो बना रहे हैं, 1 महीना लगाएं, हाँ, जुएं दोबारा वापस नहीं आएंगी जब तक कहीं और से ना आए, मतलब सर से खत्म। मतलब इतने आपके पास आज ऑयल तो हैं। ये हमने हेडलाइंस थी हमारे प्रोग्राम की, हाँ, जो हमने आपको सुनाई है। अब एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले फिजा, तुम्हारा क्या ख्याल है, रिवर्स ऑयल ना बनवा ले? बनवा, सबसे काम आ जाएगी। सबसे पहले रिवर्स ऑयल की तरफ चलते हैं, और आप क्या बताने वाली हैं? बहुत सारा अच्छा ऑयल तो आपको आखिर में बनाना चाहिए। एक्ने भी है, बालों के लिए भी, इनफर्टिलिटी भी है, और साथ साथ जो है कद बढ़ाना, एक्जिमा, सोरायसिस, और जोड़ों का दर्द। ओके, डन है। आप क्या बना रहे हैं सबसे? अरे, ब्रेक क्यों आ गया भाई? अभी हमने रिवर्स ऑयल जानना था। हाँ, ब्रेक में जान ले। नहीं फिजा, फिर हम दोनों को फायदा होगा, सबको फायदा होना चाहिए ना? तो ले लेते हैं ब्रेक, उसके बाद। हाँ, चलो ऐसा करते हैं, लीजिएगा ब्रेक। ओके जी, ब्रेक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद देखते रहिए जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव शो विद फिजा, डॉक्टर उम्मे राहील एंड डॉक्टर ईसा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको पूरा शो, एक्चुअली हम डेडिकेट करें शो ऑयल को, क्योंकि ऑयल से खूबसूरती के अलावा आपकी हेल्थ,
आपकी फिटनेस, वेट लॉस, आपका वेट लॉस, आपके जोड़ों का दर्द, तकलीफें, वो सारी चीजें जो एक्चुअली कुछ दवाइयां खाने से हल होती हैं, वो ऑयल से भी हल हो सकती है। बेशक। तो आज हम आपको डॉक्टर ईसा, डॉक्टर फिजा फिजा और डॉक्टर उम्मे राहील, इन तीनों एक्सपर्ट, घरेलू फिजा, घरेलू फिजा। अच्छा, अभी सबसे पहले हम एज रिवर्स ऑयल सीख रहे हैं आपसे, तो वो क्या, किस तरह बनेगा, वो क्या क्या मिलाएंगे हम? सबसे पहले जो आपको लेना होगा अराउंड 60 ml बादाम का ऑयल, बादाम का तेल पहला जो बेस है इसका, 60 ml आपको बादाम का ऑयल। और ये याद रखें, ये 20-25 साल वाली लड़कियां नहीं लगाएंगी, 20-25 साल वाली लड़कियां नहीं लगाएंगी, नहीं, उनके लिए नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये स्किन को जो आपकी 40 के बाद रिंकल्स आती है या स्किन लटक जाती है, उनको टाइट करेगा, ये गायब करेगा, टाइट नहीं करेगा, सिर्फ गायब कर देगा। अच्छा, गायब कर, यानी कि आस्ता आस्ता आपकी स्किन जो है वो जंगल की तरफ चलती है। अच्छा, आलमंड ऑयल को 60 ग्राम लेना है, 60 ग्राम लेना, मैं भी रट्टा मार लूं। अच्छा, हाँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, सैंडलवुड ऑयल, ये जहन में रखिएगा, सैंडलवुड पाउडर इवन हम लोग यहाँ लाकर इस्तेमाल करते हैं, कराची में तो मुश्किल है आपको मिलना सैंडलवुड पाउडर भी, इवन क्योंकि जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको 200-300 रुपए मिल जाता है। सैंडलवुड की इतनी लकड़ी 10,000 रुपए की होती है, तो ये सैंडलवुड ऑयल जो है तकरीबन 7 लाख रुपए लीटर होता है। तो इसमें से आपने सिर्फ चंद ड्रॉप लेने, यानी कि 10 ड्रॉप हम डालेंगे। अच्छा, ये 60 ml है जी, आप मेरे लिए तो नहीं बना रहे कहीं? कोई भी ले रहे, पैसे देकर कोई भी ले सकता। मैं नहीं बता रही आपको कौन सा अवार्ड मिला है, खबर डाल दो मुझे किधर। बनता ही नहीं है यार, क्यों बताएंगे? अच्छा, हमने 10 ड्रॉप डाले हैं सैंडलवुड, ये लिख लें क्योंकि हमारी बहनें बहुत ब्यूटी के लिए कॉन्शियस होती हैं, और लाखों रुपए 1,000 रुपए लगा के भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ। अपने घर में बनाएं, और ये ऑयल सारे अवेलेबल है पाकिस्तान में। मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई दुनिया में ऑयल है और अगर आपको नहीं मिलता तो डॉक्टर ईसा के पास जरूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आपने 60 ग्राम लिया सबसे पहले आलमंड ऑयल जी, ग्राम या ml, हाँ गड़बड़ कर रही हूँ कुछ। अच्छा, और उसके बाद? अच्छा, ये रोज सैंडल की कितनी ड्रॉप थी? 10 ड्रॉप, 10 कतरे सैंडल। अच्छा, ये प्रीमियम रोज ऑयल कहलाता है। हाँ। जब 40 किलो आप फ्लावर्स लेते हैं, हाँ। उस 40 किलो फ्लावर में से मुश्किल से 1 टेबल स्पून निकलता है, इसलिए ये 12 लाख रुपए लीटर है। लेकिन आपको कतरे लेने, ना लीटर थोड़ी लेना है, पूरे मेले में थोड़ी बांटना है। महंगी जवानी है, महंगी जवानी है इनके पास, कोई मुझे लगता है कोई मैथमेटिशियन बैठा होगा क्लिनिक पे जो कतरों का हिसाब लगा। जी, पूरी टीम बैठी हुई है ना। अच्छा जी, ये जो ये रोज ऑयल है, अच्छा मजे की बात बताऊं, ये अक्सर मैं ये तो नहीं कहूंगा, अरे इसकी खुशबू, ये तो मैं कह रही थी, इसी का हम कह रहे थे, सुनते ही रहे बस है। और मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, हमारी एक बहन है, वो अक्सर मंगाती हैं, तो मैं उनसे एक दफा पूछने लग गया, मैंने कहा भाई तुम इतना ऑयल लेती हो, ये प्रीमियम रोज इतना महंगा ऑयल है, क्या करती हो? बोलती है ऐसा भाई कुछ नहीं, बस टब में 2-3 कतरे डाल के नहाती हूँ, सारा दिन खुशबू में रहती हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं। बात है, ये फैक्ट है, ये सच कह रहे, बिल्कुल सच कह रहे, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा जी, प्रीमियम रोज ऑयल हम डालेंगे 10 ड्रॉप्स। आप देखे ना वो पूरा कितने 40 किलो आप कह रहे हैं गुलाब के फूल इस बोतल में समा गए, क्या बात, ठीक है। अच्छा जी, ये याद इसलिए रखें कि 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स रोज ऑयल के, 10 ड्रॉप्स प्रीमियम रोज ऑयल के, सॉरी सैंडल ऑयल के 10 ड्रॉप्स, और 60 ml अभी तक हमने आलमंड ऑयल डाला है। अच्छा, ये है लेमन ऑयल, लेमन, ठीक है, लेमन ऑयल के सिर्फ डालेंगे आप 3 ड्रॉप्स। अच्छा, इसकी काउंटिंग बहुत जरूरी है, और मजे की बात बता रहा हूँ, ये कम लोगों को नॉलेज होगी, डायना की ये मशहूर रेसिपी है, डायना जैसे दुनिया जानती है, लेडी डायना, ये बेसिकली उसकी रेसिपी है, वो अपने मुंह पे लगाती है जी, जी। ओके, लेडी ये उसकी रेसिपी है, सच्ची बात ये। मैं होती कंजूस तो मैं तो ड्रॉप, 3 ड्रॉप जो है आपने ले लिया जनाब लेमन ऑयल, ठीक है, उसके बाद आप लेंगे लेवेंडर ऑयल। अच्छा, लेवेंडर ऑयल की और खसूसियात बता दूं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई की वजह से वो टेंस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो लोग जो सोते हैं मगर नींद नहीं आती, तो क्या करते हैं, 1 कतरा 2 कतरे उठाकर जब आप यूं करके और यूं 3 दफा ब्रीथ लेते हैं तो आपकी सारी टेंशन रिलीव कर देता है, दुनिया में मशहूर है। अच्छा,
अच्छा वैसे आप सही कह रहे हैं, में भी काम आता क्योंकि लेवेंडर ऑयल मैंने ला के ना तकिए पे, मुझे किसी ने कहा था तकिए पे ड्रॉप्स डालो, मुझे ये वाली चीज नहीं बताई थी, ये तो बहुत ही ज्यादा ही सोती रहूंगी। नहीं बिल्कुल तकिए पे, बल्कि जिस घर में तूबे में झगड़े बहुत होते हैं, आप क्या करें, आप ले लें इतना सा पानी और उसमें डाल दें 20 ml लेवेंडर ऑयल और पूरे घर में स्प्रे कर दें, सब सुकून में रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं, रिलैक्स। ये तो आप मुझे दे दे कोई, ये आप मुझे कोई दे दे कोई 5 साल के लिए दे दो, कोई झगड़ा नहीं। यही हमारी मेडों को मिल जाए तो वो क्या करे, हमें सुंगा के ना पूरा घर सफाया सुला के हम अच्छा ठीक है जी। 10 आप कतरे डाल रहे हैं लेवेंडर ऑयल के। अभी तक ये चौथा ऑयल है जो इसमें डाला जी, ठीक है, प्रीमियम रोज ऑयल, सैंडल ऑयल, आलमंड ऑयल और लेमन ऑयल और रोज ऑयल, लेवेंडर ऑयल, पांच ऑयल। अब ये है निरोली, निरोली ऑयल, निरोली ऑयल, निरोली बहुत दुनिया का मशहूर ऑयल है, काम करे और ये जो है आपकी जो स्किन है जो यहाँ पे लाइंस आती है, अरे बड़ी मेरे तो बड़ी प्रॉब्लम, मेरी लंबी गर्दन है, मुझे है ही मसला है ना, ये बचपन से जी, बहुत अच्छा है। और उसमें आप ये जो निरोली ऑयल है ये आप डाल रहे हैं जी 10 drops, 10 drops, ठीक है। इसके लिए कीनू के फूलों का तेल और फ्लावर ऑयल होता है। अच्छा इसमें खुशबू देखे ना जरा, नरोली ऑयल। अच्छा मजे की बात देखे, अल्लाह ताला की कुदरत देखे, ये सब्जियां हैं या फ्लावर्स हैं, यहाँ सब्जियां या फ्लावर्स हैं, कीनू के फूलों का चीजें आपके पास खालिस है, हर एक की खुशबू बता रही है, ये बड़ी बात है, लाइव वाली बात है। पाकिस्तान में लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और इसी हवाले से जानते हैं कि डॉक्टर इसा के बारे में बड़े तेल देखे, ऐसी खुशबू नहीं, प्रमोशन कर दी अब तो दे दे। अच्छा जी ये हम डाल रहे हैं कैरेट ऑयल, गाजर का ऑयल, अच्छा कैरेट सीड ऑयल कहलाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मुझे तो याद ही नहीं गाजर की खुशबू कैसी है। और ये इसमें हम डाल रहे हैं जी, ये जो कैरेट ऑयल था वो हम डालेंगे 10 drops। Oh my God, मतलब कि ये ठीक ठाक मेहनत वाली चीज है, मतलब ये चेहरे पे वाकई खून ले आता हो, जब गाजर खाते हैं तो ब्लड बढ़ जाता है। इसके अलावा कैलकुलेशन जो है ना इसकी बड़ी अहम होती है, क्योंकि स्किन अगर वो बहने जो थोड़ा धूप में जाती हैं और चेहरा टमेटो की तरह हो जाता है, तो अब इसमें बादाम का ऑयल बढ़ जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो लगाएंगी तो ज्यादा रेड हो जाएगा। अच्छा जो खवातीन धूप में जाती हैं आप देखेंगे फौरन टैन हो जाती हैं, ऐसी है, उनके लिए भी ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी जनरल सब लगा सकते हैं। अच्छा ठीक, नाइस, ठीक है। अच्छा जी रोजमेरी ऑयल, अच्छा रोजमेरी जी, ठीक। अब ये डालेंगे आप इसमें, कितने तेल डालेंगे इसमें, बस आखिरी है, मैंने तो कहा बड़ा महंगा नहीं पड़ जाएगा, कतरे रोजमेरी ऑयल डाला कतरा कतरा दरिया बन गया ये तो, प्रीमियम रोज था, ये रोजमेरी है, रोजमेरी एक हर्ब जो हम खानों में डालते हैं ये वो वाला, ठीक है। और प्रीमियम रोज है वो गुलाब वाले, गुलाब वाले से दो हमने ड्रॉप्स डाले। अब ये ऑयल जो है हिला के आप रखते हो, आप क्या करते हैं रात में, रात में रिपीट कर लूँ, एक मिनट रिपीट कर लूँ ताकि सबको याद है, आलमंड ऑयल 60 ml, ठीक है, उसके बाद 10 कतरे सैंडलवुड ऑयल, मैं यहाँ से आ रही हूँ ना, निरोली ऑयल जो के किनू के फूलों का ऑयल होता है, ये 10 कतरे, ठीक हो गया, कैरेट ऑयल 10 कतरे, ठीक हो गया, रोजमेरी और नहीं रोजमेरी, हाँ रोजमेरी ऑयल भी 2 कतरे, तीन कतरे लिख ले मिस हो गया, तो प्रीमियम रोज ऑयल 10 drops, कहाँ गया प्रीमियम रोज ऑयल, ये मैंने रोजमेरी दोबारा से उठा लिया, ओके प्रीमियम रोज ऑयल 10 कतरे, लेवेंडर ऑयल 10 कतरे और लेमन 3 कतरे, लेमन 3 कतरे, सैंडलवुड ऑयल 10 कतरे, सैंडलवुड ऑयल 10 कतरे, अच्छा, बाकी अच्छा, सब 10 है, हाँ, सिर्फ 60 ml सिर्फ लेमन और वो जो है लेमन और जो ये था रोजमेरी, सिर्फ अच्छा, ये 3 है। अच्छा ये मिक्स हो गया, अब इसके लगाने का तरीका समझ लें। अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं सिर्फ ऑयल नहीं, इसके साथ जहन में रखिएगा, आप सुबह उठकर पानी पी रहे हो, नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, और दोपहर में खाने की जगह आप सैलेड फ्रूट पे चले जाओ, ऑयल की वजह से नहीं अपनी सेहत की मतलब वजह से, वो आप डाइट अपनी सही, ऑफ कोर्स, मतलब आप टेंशन लेके बैठे हुए लगाओ। अच्छा ये रात को आप क्या करेंगे, मुंह धोने के बाद आपने उठाया और हल्का हल्का सा मसाज किया, ठीक है। अच्छा यहाँ जो पफनेस आती है यूं गायब होती है इसके साथ, ये जो पफनेस आए इसके नीचे, तो आप पूरे चेहरे पे लगा के मसाज करके सो जाए, पर इतना सा काम था। अच्छा आप लगाते हैं कि नहीं, सच बताइए? सच बताऊं? मैं नहीं लगाता, क्यों, आपको खूबसूरत बनने का शौक नहीं है? मुझे जितने व्यूअर्स हैं, जितनी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं जानती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 साल पहले 25 का था, मैं आज भी 25 का हूँ। आगे बढ़ो, ठीक है जी, ये हो गया एज
रिवर्सिंग ऑयल तैयार अब. और पता है क्या होता है, मैं इतना भूलने लगी हूँ आजकल. कैसे कहा आगे बढ़ो, तुमने पीछे रिवर्स लाने का तेल बताया, फिर कहती हूँ आगे बढ़ो यार. और महंगा भी है तो इसलिए भी नहीं लगाता हूँ. क्या महंगा भी इसलिए भी नहीं लगाता. अरे ब्रांड है, कहेंगे अफोर्ड नहीं. अब आपका किसी को 1 ml देते हुए 1 कतरा निकाल लें, कतरे तो डाल लें. अच्छा जी, मेरे से बड़ी प्रॉब्लम होती है, भूल जाती हूँ. क्यों? मैं एक गोली खाई कोई भी, कभी भी किसी वाइटामिन की, दोबारा यार मेरे साथ भी यही मसला है. चाबी रखो घर की, वो भूल गई. कुछ फराल का रखो, मेरे बच्चे इतना मुझे उल्लू बनाते हैं. तो उनको लाजमी दूध का ग्लास पीना होता है ना, तो वो कहते हैं अम्मी मामा आपने तो दे दिया था. अच्छा दे दिया था, उल्लू बनाते हैं क्योंकि मैं भूलने लगी हूँ. कुछ बताए ना, भूलने की बीमारी कैसे. ये सबको प्रॉब्लम है, ये इसका हल होना चाहिए. अच्छा मैं बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ. अच्छा पहले जी कही कही बरहमी बोटी याद रखिएगा, बच्चे बड़े जिनको भूलने का. अच्छा मैं क्या बोल रही थी, कहाँ रखा था. बरहमी बोटी 100 रुपए में अच्छी खासी मिल जाती है. हाँ. जितनी बरहमी बोटी है उतनी मिश्री मिक्स करके पाउडर बना के रख लें, 1 चमची दूध में डाल के देखें, याददाश्त देखें अपनी आप. सही है, एक तरीका. मैं डॉक्टर उम्मे राहील जी भी पूछता हूँ. हाँ जी. अच्छा जी. अच्छा भूलने का जो मसला है, दिमाग में मुश्किल हो जाती है जिसकी वजह से इंसान भूलने लगता है. मतलब कि तेल की मालिश कराए सर पे तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा. अच्छा उसमें तेल अलग लगाए जाते हैं. अच्छा ऐसा नहीं, जैसे इसमें हम लेंगे 4 मगज का तेल. हाँ 4 मगज का तेल लिया, तकरीबन तीनों तेल, 3 तरह के तेल लेंगे और हम वजन लेंगे. अच्छा धनिए का तेल, ठीक है 4 मगज का तेल. अच्छा कितना लेना है ये नहीं हमें, हम वजन लेंगे. हम वजन मतलब आप तकरीबन अगर 50-50 ml ले रहे हैं तो 50-50 ml लेंगे तीनों तेल. और ये है खशखाश तेल. खशखाश, ठीक. अच्छा इनको हमने मिला के रख लिया, ये तो आपका हो गया लगाने के लिए तेल. दिमाग की खुश्की है, भूल रहे हैं, टेंशन हो रही है, किसी भी एज में इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है. अच्छा इसी को तेल को आप करना क्या है, दिन में एक बार जो बताशे होते हैं जी, ये जो आजकल ड्राई फ्रूट्स वाले के पास मिल रहे हैं, इस पे तकरीबन 2 से 3 कतरे डाल के ये खा लेना. ये एक दफा मुझे दोबारा बताना, मैं मिस कर गई. बताशा लिया आपने. हाँ. ये 3 तेल है, धनिया. हाँ. खशखाश और 4 मगज. अच्छा इसको तकरीबन 2 से 3 कतरे आपने मिक्स करके रख लिया है. हाँ. और बस ये आपने खाना. और फ्रेश तब जब बताशे खाने हैं तो तब उस वक्त डालें, और डालें जज्ब हो जाएगा. अच्छा और उसके बाद खा लें. क्या ये कड़वे होते हैं इसलिए आप बताशे में दे रही हैं? नहीं तेल कुछ बताशे और इसका मिलकर बनेगा कोई चीज. एक्चुअली होता ही है कि जैसे मिश्री अभी ईसा भाई ने बताई है. हाँ. मिठास जो है वो जाके दिमाग को तरावट देती है. हाँ. बताशे हैं, मिश्री है, ये तरावट देती है जिसकी वजह से ना आपका जो है दिमाग की खुशकी खत्म हो जाती है. सारी भूली बिसरे दुख यादें सब वापस आ जाएंगी. याद आ जाएगी. नहीं अच्छा अच्छा याद आएगा. इसलिए तेल लगाना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल निदा या से डाइट पे है तो बताशे तो नहीं इजाजत देंगे. मैं बता रही डाइटेशन तेल आपने लगा लिया, उसके अलावा ये जो तेल लगा लिया किस पे? सर पे तो तेल लगाएंगे ना. मुझे कुछ कंफ्यूजन. एक मिनट सुन ले आप. हाँ तीनों तेल मिला लिया. तीनों तेल मिला मिला हम वजन, ठीक है. इसको मिला के आपने रख लिया. ओके ये तेल जो है सर में लगाया जाएगा. ये तेल सर में, सर में लगाया जाएगा. आपने रात को हल्का सा मसाज कर लिया. ओके और इसी तेल को चंद कतरे. अच्छा ठीक है, खाना भी है, लगाना भी है. तो ये रोज खाना होगा फिर जब तक. हाँ एक मेरे को बहुत जल्दी आराम आ जाता है. और एक चीज ये भी मुश्किल लग रहा है, तो यही तेल जो है अपने नाखून के अंगूठे के नाखून पे लगा दें भाई, और इस तरफ. ओके और यही इस पैर के नाखून अंगूठे के ऊपर, पैर के ऊपर नाखून के ऊपर भी, और राइट या लेफ्ट दोनों के ऊपर, दोनों. तो उससे बहुत जल्दी जो है ना आपकी मेमोरी जो है ना वो सही होना शुरू हो जाती है. जो भूलने की बीमारी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है. और इसके साथ साथ मैं बता दूं, जब तेल हम लगा रहे हैं अभी तो हमने तेल लगाया ही है. हाँ ये दिमाग को भी मतलब मजबूत करेगा. अच्छा आपने करना है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बादाम का तेल तो होता ही है. रोज आना सोने से पहले पैर पे लगा लिया, तलवों के ऊपर या पैर के अंगूठे के ऊपर, और नाफ के अंदर जो बेली बटन है उसे तेल डाल दिया, तो उससे भूलने की बीमारी. बादाम का तेल, बादाम का तेल, ठीक है. मैं ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है. ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें यार जो कभी आपने शायद नानी दादी से भी नहीं सुनी होंगी, अब मैं आपको कह दूं इन नाना से सुनिएगा. मजाक. नाना डॉक्टर ईसा. गुड मॉर्निंग. मैं आई हैव ट्राइड आलमंड ऑयल, आई रियली लाइक इट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माय स्किन बिकॉज़ एंड हेयर एज़ वेल, क्योंकि आलमंड ऑयल इज वेरी गुड फॉर द फेस. मेकअप उतारने के बाद खास तौर पे आई यूज इट ऑल. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम ऑयल्स, मतलब लाइक वो ये नेमत है, अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमत,
जो है, जो जड़ी बूटी फूल पत्ते उन सबसे ऑयल्स जो निकले हुए हैं, दुनिया भर के ऑयल्स यहाँ जमा करके हम आपको बहुत सारी जबरदस्त मशवरे दे रहे हैं कि क्या क्या किस किस चीज से हो सकता है। अब हमारी जो घरेलू फिजा है ये कुछ बताने वाली है। जी फिजा, सब बताएं भाई, आप क्या क्या बता रही हैं? यार मैं बड़े काम की चीज बता रही हूँ, ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं ऑनेस्टली, ना मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ कि मेरे पास महंगे महंगे तेल में खरीदूं या बाजार जाऊं। हाँ। मेरी अम्मी ने जिंदगी मुझे जिन तेलों से पाला पोसा बड़ा किया, जो लगाया वही तेल हर घर में पाए जाते हैं। अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो मैं मांग लेती हूँ, पड़ोस में ले लेती हूँ, मेरी बहन के घर, तुम्हारे घर, हर जगह ये मिलेंगे तेल, तो वो वाले तेल। सॉरी, हाँ तो सही है, आप चाय पिए, सुन रहा हूँ। हाँ सुने, तो चाय अभी अभी 3G लाइफस्टाइल वाले भी गए तो वो भी तुम्हारे आप अपना पेट मशीन से नहीं ऑयल से कम कर लें तो कोई बात नहीं, सबका है, चलेगा ना। हाँ, जिसमें फिजा के पास आना है वो तो आएगा। आई थिंक फिजा बिल्कुल करती है और मेरे ख्याल में इसको इसके बेनिफिट मिलते हैं, लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। अच्छा, मगर आप मुझे जरा एक मिनट के लिए चाहिए, आप इधर आ जाए जरा मेरे पास, क्योंकि आप काफी चीजों के बारे में बताते रहेंगे डिटेल, मैं कुछ शॉर्ट अपनी चीजें बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये फ्राई पैन लिया, इसमें अदरक डाली, अदरक डाल के जो कोकोनट ऑयल है वो मैंने इसी के साथ गरम, ये मैं बता रही हूँ, इसी के साथ मैंने गरम कर दिया और गरम करके इसको थोड़ा सा पकाया, थोड़ा सा बल्कि ज्यादा इसको थोड़ा सा पकाया। अब कैमरे के आगे आ गए हैं, आप पतले नहीं हुए अपने, आप पतले नहीं हुए देखे। अच्छा, अब इसको मैंने पकाना है और साथ साथ ये जो कड़ी लीव्स है ये भी डाल देने। अब इससे होगा ये कड़ी लीव्स, कड़ी कड़ी पत्ता, ये थोड़ा सा चूरा करके इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमने तेल बनाया हुआ है ना इसलिए। अच्छा, तो ये डाल के इसको पकाना है अच्छी तरीके से और पका के इसको जार के अंदर रख देना है। ये क्या है? अदरक होती है एंटीबायोटिक, ठीक है। अच्छा ठीक, अगर कोई बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वैसे भी आप फाकते हैं, काट लेते हैं, उसमें खानों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी होती है, सर में भी लगाते हैं तो आपके लिए अच्छी होती है, ना कि मैं अगर इसको तेल में बना रही हूँ। कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ कड़ी लीव्स के साथ, तो अदरक जो है वो इसमें ये काम करेगी कि जब ये तेल ठंडा हो जाएगा, ये पक जाएगा, कड़ जाएगा, तो उसके बाद मैं एक जार में इसको डाल के रख दूंगी। यही तेल मैं फिर इसको लगाया करूंगी, चाहे थोड़े से कड़ी लीव्स मेरे सर के अंदर रहे भी जाए, लग भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो जब मैं लगाऊंगी तो जो गंज पना होता है जहां जहां लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है एज पे फ्रंट के बाल ब्लो ड्राई करके ना, बिल्कुल, तो वो जो फ्रंट के बाल चले जाते हैं और फिर जब आपके बाउंस नहीं आता बालों में, जब आपके फ्रंट के बालों की बॉडी कम हो जाएगी तो फिर आपके वो बालों में वैसे ब्लो ड्राई या कोई भी स्ट्रेटनिंग आप करेंगे तो आपका स्टाइल सही नहीं लगेगा, यहाँ से गंज गंज रहेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तेल यही होता है औरतों के लिए कि हफ्ते में एक बार उसको जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, तुमने ये सब चीजें निकालेंगे नहीं? नहीं निकालेंगे नहीं, इसी के साथ ये कड़ जाएगा, पक जाएगा और उसके बाद इसको जार में ठंडा करके रख देंगे और यही इस्तेमाल करते रहेंगे। अब इसके बेनिफिट्स कुछ आप? अच्छा, मैं थोड़ा सा ये मुझे अगर ऑयल दें तो मैं बता दूं, एक्स्ट्रा वर्जन ये कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल जो है। अच्छा, ये हमारी सराउंडिंग में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें मलेशिया ले लें, भूटान ले लें, श्रीलंका ले लें, वहाँ ज्यादातर खाने जो पकते हैं वो इस ऑयल में बनते हैं और या मिल्क कोकोनट उसमें मिल्क में बनते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट में बता दूं आपको, वर्जन कोकोनट ऑयल के 1 टीस्पून अगर आप डेली पी रहे हैं इसको तो सबसे पहली बात ये है कि महीने में कुछ नहीं तो 2.5 से 3 किलो वजन कम कर देगा, इसका पहला फायदा। अच्छा, ये डॉक्टर ईसा बता रहे हैं यहाँ पे और मुझे ये नरगिस फखरी ने बताया था, मैं उसका इंटरव्यू करने गई थी दुबई, तो उसने कहा कि मैं बेली फैट कम करने के लिए मैं पीती हूँ कॉफी में। हाँ, कॉफी में ये बुलेट प्रूफ कॉफी होती है ना, ब्लैक कॉफी के अंदर आप 1 टेबल स्पून ये कोकोनट ऑयल डालें, बड़ा मुश्किल है पीना, मैंने पिया तो मुझे अजीब कुछ हो रहा था लेकिन मैंने रेगुलर पिया, उससे पेट कम हो जाता है, बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। आपके जो पेट के और अमराज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बच्चियों के हार्मोन अनबैलेंस हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जवान रहने के लिए अच्छा है, ये बड़ी कुदरत की बड़ी नेमत है। और फिर करी पत्ता तो अब सदियों से वाकई ये सही करिए, नानियां इस्तेमाल करती थी ऑयल में क्योंकि ये आपके रूट से नए बालों को बाहर निकालता है और जिंजर आपकी जमीन को सही करता है तो वो मल्टीपल बेनिफिट हो जाते हैं। ठीक है, आप तो अच्छा आप बहुत सारी माएं यहाँ बैठी भी होंगी, बेटियों की तो हाइट का टेंशन होता ही है लेकिन बेटों की हाइट का ज्यादा टेंशन होता है, मेरे बेटा लंबा हो जाए, हाय मेरा बेटा लंबा हो जाए, या खुद की हाइट का भी और होता है ना, लेकिन आप हाइट के बढ़ने के जाहिर है एजेस होती हैं और हाइट सर्टेन एजेस तक बढ़ सकती है, कहते हैं लड़कियों की एज 18 साल नहीं 18 भी नहीं उससे भी कम, कब तक बढ़ती है लड़कियों की? 18 तक और लड़कियों लड़कों की कहते हैं 21 तक बढ़ सकती है ना,
उसके लिए कोई चीज है जो आप हमें बता सकती हैं डॉक्टर उम्मे राहील? बिल्कुल, अच्छा नेचुरल है कि 18 और 21, लेकिन अगर कुछ इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो लड़कियों की 21 तक चली जाती है और लड़कों की जो है तकरीबन वो भी 22-23 तक चली जाती है। एक्सरसाइज करने से, एक्सरसाइज करने, स्पोर्ट्स करने से हाइट बढ़ती है, अपने बच्चों को खेलने भेजें। बहुत ज्यादा मैं यहाँ एक करेक्शन करूंगा जी, ताकि वो लड़कियां मायूस न हो जो 18 की या 20 की हो चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि हाइट के लिए हम जितने भी हकीम हैं, कोई भी दवाई देते हैं, आपका कद कौन सा बढ़ रहा होता है पहले जहन में रखें। लड़कियों का कद कुछ भी मैं नहीं दूं तो कुदरत ने जो बढ़ाना है वो 22 तक बढ़ेगा और लड़कों का 25-26 तक होता है। एलोपैथी की दुनिया में 18 है, आयुर्वेदिक हर्बल में ऐसा नहीं है। जब भी हमारे डॉक्टर्स आए हैं यहां, बिल्कुल 18 और 21। अच्छा, दूसरी चीज, अक्सर माएं पाइप लगा के बच्चों को लटकाती हैं, हाथ बड़े हो जाएंगे, कद बड़ा नहीं होगा। कद बड़े करने के लिए रस्सी वाली गेम करें। अच्छा, क्योंकि हम जो बढ़ाते हैं, हाँ। अच्छा, दूसरा यानी कि रस्सी कूदे, जी जी हाँ। दूसरा इसका ताल्लुक है बोन से, कमर की रीढ़ की हड्डी से। हर इंसान में अल्लाह ताला ने 3 से 3.5 इंच की गुंजाइश रखी है, जो हम आपका दवाई से रेस करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि उम्र के इस हिस्से में भी आप 3 से 3.5 इंच, यानी कि कोई अलग से मैजिक नहीं, जो आपका बढ़ा है वो तो बढ़ ही रहा है। अच्छा, अब मेडिसिन लेते हैं आप 3-4 हजार रुपए की, चाहे मुझसे लें या कहीं से भी लें। एक और अल्लाह की नेमत है जो आप अपने बच्चों को खिलाएं, केले में एक केला आता है चितरी वाला, जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। सर्दी है तो एक केला सुबह दोपहर शाम और 20 मिनट रस्सी वाली गेम, यही 3,000 की दवाई बन जाएगी। मैं बताती हूँ कि बोन्स की जो बात की है कि रीढ़ की हड्डी में जब हम हैंगिंग करते हैं तो हमारी हड्डियों में स्ट्रेच, मतलब पूरी बॉडी की हड्डी पूरी, खाली बॉडी के वजन जो होता है वो पूरी बॉडी का वजन नीचे आता है। लटक के देखा है? हाँ बिल्कुल, नहीं इसी के पूरी बॉडी पे वेट आता है, वेट आता है पैर के ऊपर। जब फांसी देते हैं तो गर्दन ट्राई करें। हाँ बिल्कुल, मुझे तो बड़ा लटकवाया है अम्मी ने बचपन में, मुझे माँ ने लटकवाया था बहुत ज्यादा, खुद से नहीं लटकाऊं लेकिन अब ट्राई करूंगा। अच्छा, वो उस पर फर्क पड़ता है। अच्छा, उसमें होता है क्या है कि खाने के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं और जितना आप कैल्शियम का इंटेक करते हैं तो उससे आपके बोन्स मजबूत होती है। जब हड्डियां मजबूत होती है तो कद बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, साथ में एक है हमारे पास एक चीज है लगाने की और एक है खाने की। ठीक है। अच्छा, खाने के लिए मैं बता दूं, इसमें हमें चाहिए 1 चम्मच शहद, इसमें मैंने मिला के रखा हुआ है। इसमें मैंने 1 चम्मच शहद लिया, इसमें डाला है बी पॉलन, 1 चम्मच बी पॉलन। बी पॉलन, बी पॉलन शहद वालों के पास मिल जाता है। ये जो है ना मक्खियों की जो गिजा होती है, मतलब जो उसका अंडा होता है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है और उसके बाद जो है वो आखिर में निकाल लिया जाता है। और ये जो है बच्चों का कद बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज होती है। और इसमें हमने डाला है बादाम का तेल तकरीबन 1/2 चम्मच। ठीक है। और रोगन बिलसान, रोगन बिलसान जो है बदर के मुकाम पे जो एक हर्ब होती है, बिलसान जो है उससे निकाला जाता है, उसका रोगन होता है सफेद रंग का। अच्छा। वो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जबरदस्त होता है, हाइट के लिए। अच्छा। उसको बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमने डाला है रोगन बिलसान, रोगन बिलसान और बादाम, और बादाम का तेल, तेल कितने कितने ड्रॉप। अच्छा, ये डाला हमने 1/2 चम्मच बादाम का तेल और रोगन बिलसान जो है 10 कतरे, और शहद के अंदर शहद 1 चम्मच, 1 चम्मच बी पॉलन। 4 चीजें मिलाकर ये क्या करें बच्चों को, ये इस तरह से बन गया, कब खिलाएं? इसको हम शहद और दूध में मिक्स करेंगे। हाँ। ये मिक्स हो जाएगा और दूध बच्चे को पिलाना है सुबह और शाम दो टाइम। तुम कैसे लंबी हो यार? मैं एक तो योगा का स्टेप भी हमारा होता है, हम वो करते हैं। बचपन में हमारी मम्मी एक एक्सरसाइज कराया करती थी, ये लटकने वाली बात पता नहीं, हम अम्मी कहती थी केले खाओ, 6 केले खाओ, 3 केले खाओ, उसके बाद पार्क जाओ, तो वो लटकने वाली जो हरकतें होती है। मेरे पूरे हम लोग क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं तो सब इतने लंबे नहीं है, जैसे मैं इरम और मेरा एक भाई, हम बहुत लंबे हैं। तो तुम लोगों ने क्या खाया? तो हमने हम लटकते थे, केले खाते थे। मैं तो 12-12 केले, 10-10 केले, क्योंकि मुझे लंबा होने का बहुत शौक था कि मैं लंबी रहूं। मुझे इरम क्योंकि थोड़ी सी लंबी थी, मैं कहती थी मैं इससे लंबी निकलूंगी ज्यादा, मेरे से बड़ी बहन है। तो फिर मैं केले खाती थी और लटकती थी बस। अच्छा, तो मेरी हाइट वाकई में सारे खानदान में सबसे लंबी है। हाँ। अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी उनकी हाइट, तीनों बच्चों की, फरीद तो मुझसे भी लंबा हो गया। हाँ। और मैं हैरान हो रही हूँ कि हाँ। कैसे हो गया। उसकी रीजन ये कि मैंने ना उनको कंटिन्यूसली, फरीद तो छोटा था तो केले तो खाता ही था, मगर स्पोर्ट्स जरूरी बनाती हूँ। हम ऐसी जगह शिफ्ट हो गए हैं जहाँ सिक्योरिटी है, जिस वजह से बच्चे बाहर खेल सके। yes. स्पोर्ट्स जरूर उसको खेलने के लिए भेजती हूँ। और दूध सुबह दोपहर रात, वेरी नाइस, दूध मस्ट है। और मैं बचपन से सख्ती की है दूध पर, उसकी वजह से माशाल्लाह फरीद की भी हाइट अच्छी है, सिला की भी,
और बालाज की भी माशाल्लाह। अच्छा एक चीज और हो जाती है कि बच्चे शिकायत करते हैं कि माएं भी शिकायत करती है कि बच्चों के पैरों में दर्द हो रहा है या वो एक्सरसाइज कैसे करें क्या करें, तो उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा सा एक वो ऑयल बनता है और वो भी हड्डियां मजबूत करने के लिए और कद बढ़ाने के लिए होता है। अच्छा उसमें हमने अंडे की जर्दी ली है, ठीक है, और मक्खन डाला है एक चम्मच और बादाम का तेल, बादाम, ये तीनों चीजें मिला के, बादाम का तेल भी डाल सकते हैं और सरसों का तेल भी। अच्छा सरसों का तेल थोड़ा सा तेज होता है तो हम कराची के हिसाब से बादाम का तेल, वरना बाकी ये क्या कि खिलाना है नहीं इसकी मालिश करनी है। हाँ शुक्र है तो ये बच्चे तो नहीं खाएंगे भाई। अच्छा मुझे देख के कुछ नहीं दोबारा अंडे की जर्दी मक्खन और बादाम का तेल, और इससे पैरों पे जब मालिश करते तो जो बच्चे चल नहीं रहे हों, जिनके पैरों का मसला हो, जिनके घुटनों का मसला होता है, बहुत से बच्चे चलना शुरू नहीं करते तो वो बहुत तेजी के साथ चलना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर ईसा अब आपके पास कौन सा मेरे ये भी थोड़ा सा जहन में रखें क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी मेडिसिन लोग यूज करते हैं विटामिन डी, इतना कराची में तो स्पेशली कम है, और ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। देसी अंडा कंप्लीट विटामिन डी की दवाई है, बॉयल करें खुद भी खाएं बच्चों को भी खिलाएं, विटामिन डी की दवाई। अच्छा जी मैं एक रेसिपी बनाना चाह रहा हूँ उन बहनों के लिए क्योंकि आपका चैनल पूरी दुनिया और पाकिस्तान में तो खासतौर पर देखा जा रहा है, तो वो लोग जो एंटी एजिंग के लिए खर्चा नहीं कर सकते हैं ये ऑयल नहीं मंगा सकते। अच्छा अभी कोई और ऑयल बताएं ना, जो अभी तो हमने खूबसूरती एंटी एजिंग की बात कर ली। हाँ तो मैं इसको बाद में बना लें। हाँ इसको बाद में। अच्छा जी चलें। जुए भगाने के लिए, जुए भगाने के लिए, ओके जुए भगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जी तीन ऑयल जो है ना याद रखिएगा, जुए नहीं, जुए आप निकाल सकते हैं, वो माए कंघी के अंदर धागे ला के सारे चीजें जब फ्लॉप हो जाती है क्योंकि बारीक जो अंडे हैं वो आप आंख से भी नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रो से देखने पड़ते हैं इतने बारीक होते हैं। अल्लाह बस कर देना कुछ होने लगता है। हाँ तो आपने करना क्या है, आपने आपने तीन ऑयल लेने हैं, ठीक है, नीम का ऑयल लेना है, आपने तारामीरा का ऑयल लेना है, नीम तारामीरा और कैस्टर ऑयल लेना है, और कैस्टर ऑयल, तीनों ऑयल को हम वजन लेकर मिक्स करके दे दें और रात में बच्चियों को बच्चों को सर के अंदर लगा के मसाज करके सुला दें। मैं ये गारंटी करता हूँ अल्लाह के हुक्म से 8 दिन के बाद जुए मर जाएंगे, 15-20 दिन के बाद अंडे भी मर जाएंगे। कैस्टर ऑयल तारामीरा और यही सुना है कैस्टर ऑयल सब नारा लगाओ एक साथ, कैस्टर ऑयल तारामीरा और नीम, याद हो गया खतरा जान। अच्छा नीम से मैं एक जरूर क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे खर्च कर रहे होते हैं। अच्छा ये तेल लगाकर ये तो बताएंगे आप, बस बालों में जड़ों में तेल लगाना है और सुला देना है बस। और अच्छा बच्चे अक्सर स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं टाइम नहीं होता तो सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन कम से कम लगा, ठीक है, हफ्ते में ना फेरे नहीं बस सुला देना आपको, बस सुला दे। अच्छा थोड़ी हलचल मचेगी क्योंकि अंदर वो तूफान बदतमीजी जुए मचाएंगी, जुए में तारामीरा क्योंकि थोड़ा सा लगता है, होगी जुए इधर उधर से उधर होंगी तो पूरा प्लाट हिलेगा ना, और भाई तारामीरा थोड़ा सा लगता भी था ना जाके स्किन को हल्की सी लगती है। अरे सुनो तो जो तकिया होगा उसके बराबर और भी तो बच्चे सो रहे होंगे तो उनको चढ़ जाएगी, नहीं वो क्योंकि डेड हो जाती है, वो पहले उनको खुमार चढ़ता है उसके बाद मर जाती है, उनकी लाशें जो है उनकी डेड बॉडीज जब वो सुबह नहाएंगे तो वो फिर पानी में ड्रेन आउट हो जाएंगे। चलो सही है जान छूटी है, फिर वो धागे वाला इस्तेमाल कर ले कंघी करके उससे बिल्कुल और सफाई, मतलब कंघी को धागा पे रोके बारीक बारीक और फिर सॉरी कि आप नाश्ता कर रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसका असल तरीका ये होता है कि शावर के नीचे खड़ा करके शावर के नीचे पानी के नीचे तेल वाले बालों को फिर निकालें, फिर निकलेगी, ऐसे तेल में नहीं निकलती वो शावर के नीचे निकलती है धागे वाले बाली। सही सही बिल्कुल। फिर ब्रेक आ गया डॉक्टर ईसा, जब मैं आपके पास कोई काम की बात पूछने आती हूँ ब्रेक आ जाता है, क्या है हम दुश्मन है ब्रेक हमारी। ओके जी पैसे जो चाहिए, पैसे आएंगे तो दिन बदलेंगे ना एड्स आएंगे तो दिन बदलेंगे। हाँ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक की बात रही है हमारे साथ, तेल से और भी ज्यादा फायदे अपने ऊपर अप्लाई करने के। गुड मॉर्निंग सबसे बेनिफिशियल चीज है हमारे लिए खाने में लगाने में इन एवरी वे एंड इवन ट्रीटमेंट्स में। एंड देन फाइनली अगर आप बॉडी पे लगाने की बात करें पूरी प्रेगनेंसी में मैंने कोकोनट ऑयल बॉडी पे लगाया और ऑलिव ऑयल अपनी बॉडी पे लगाया और मुझे अल्लाह का शुक्र है ना पहली प्रेगनेंसी में एक भी स्ट्रेच मार्क हुआ और इस बार भी एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं हुआ। तो ये जो हम बाहर के ममालिक की चीजों की तरफ इतना ऑब्सेस होते हैं ये चीजें बड़ी यूजफुल, हमारी अपनी लोकल चीजें बड़ी यूजफुल है। और अगर आप दानों की बात करें तो अगर आपको पिंपल निकला हुआ हो बैठ ना रहा हो तो उससे एक डॉट टी ट्री ऑयल का लगाएं तो वो बड़ा यूजफुल होता है, ठीक है ना, फौरन ही बैठ जाता है दाना। तो ऑयल के तो जान हजारों बेनिफिट्स हैं। तो ऑयल इन इटसेल्फ एक एज ओल्ड रेमेडी है हर चीज की ऑयल का,
तो लोग जो अपनी डाइट में से और अदरवाइज अपनी जिंदगी से ऑयल निकाल देते, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। लगाती मैं ज्यादातर तेल लगाती हूँ, सर ऑल्टरनेट करती हूँ, कभी कभार मैं लगाती हूँ कोकोनट ऑयल, कभी कभार मैं लगाती हूँ एप्रिकॉट ऑयल, कभी कभार लगाती हूँ बादाम का ऑयल, कभी आर्गन ऑयल, कभी इमो ऑयल, बहुत सारे तेल इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कोकोनट ऑयल हमारे घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके बहुत फायदे होते हैं। हम खाना भी उसी में पकाते हैं, हम अपने मुँह पे भी लगाते हैं, जिस्म पे भी लगाते हैं, बालों पे भी लगाते हैं, और माने ना माने लेकिन उसको उससे मुंह में भी डालकर, जो उस जिस जमाने में टूथपेस्ट या टूथब्रश नहीं होता था, तो लोग कोकोनट ऑयल से, उसको कहा जाता है पुलिंग, मुंह में डाल के कुरली करते हैं 20 मिनट के लिए, तो जितना बैक्टीरिया होता है और फंगस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली कोकोनट ऑयल जो है वो एंटी फंगल भी है और उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, एक्जिमा के लिए अच्छा है, ड्राइनेस के लिए अच्छा है, और खाने में उसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो आई थिंक ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे कुकिंग के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ऑयल से हम आपको बहुत सारे मुफीद मशवरे दिलवा रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू। फिजा हमारे साथ हैं जी, और मैं ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी एक जरूरी चीज आपसे पूछना चाहती थी, सर में दर्द। सर में दर्द जैसे कभी कभी हमारे भी हो जाता है, डाइटिंग करने से भी हो जाता है सर में दर्द, नींद ना पूरी होने की वजह से भी, लड़ाई से, ज्यादा फोन सुनने से। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों की टेंशनों से हो जाता है सर में दर्द हो या माइग्रेन हो। बिल्कुल सही कह रही है, होता है। तो आप जल्दी में क्या कर सकते हैं, एक कतरा या दो कतरे आप ले लें पेपरमिंट ऑयल के। सही, पेपरमिंट ऑयल को यूं करना है आपने। हाँ। और हल्का सा बस सूंघना है और दर्द का दर्द गायब होना है। हाँ। एक सर में दर्द हो रहा है भाई, हो रहा है किसके? अच्छा आज जरा आओ, तुम्हारा सर का दर्द भगाए। ये इतनी पिद्दी सी लड़की को क्यों हो रहा है भाई? 11 साल की लड़की के सर में दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, 18 साल की। अच्छा 18। मैंने कहा इसको क्या काम है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तुम्हारे भी सर में दर्द हो रहा है। अस्सलाम, इसको तो मोटा होने का तेल दे पहले। हाँ इतनी हल्की सर में दर्द है ये तो। क्यों सर में दर्द हो रहा है भाई? बहुत हल्की है, नहीं इसको मोटा होने का तेल दूंगी मैं भाई। हाँ मैडम भी फैजा है, तुम्हारे सर में क्यों दर्द हो रहा है? नहा के नहीं आए है? नहाओ, उससे भी सर का दर्द। कोई शक नहीं है, अपने बच्चों को जबरदस्ती भेजना पड़ता है नहलाने के लिए, कहते सर में दर्द हो रहा है। बुखार चढ़ जाता है तो भी नहला दे, और सर का दर्द है तब भी नहला दे तो बुखार भी खत्म हो जाए। सर का कोई शक नहीं। शहजादी आओ जरा इनके तेल लगाओ, इसको मोटा होने का तेल। तो वो अपने खुद के हाथ में ले। अच्छा तुम बैक करके क्यों खड़े हो? तुम वहां से अच्छी हो यहाँ से अच्छी हो? चलो और सुनो, उसको वो तेल भी दे दो। देखो उसको, चलो हाथ लाओ इधर, देखो इसको वो तेल दे। हाँ। आपने ऐसे रगड़ना है दोनों हाथों को, ठीक है, और हल्का सा यूं रखना, सूंघो, बस ये एक सूंघ काफी है। अब थोड़ी जाओ बैठ जाओ, उसको आप बताना मुझे एक ब्रेक के बाद। आओ। अच्छा ये साइनस या पॉलप्स हो जाते हैं ना अंदर जो बनता है उसके वजह से। इतनी पिद्दी पिद्दी बच्चियां भी लगा लें, छोटी सी डायरेक्ट लगाना नहीं है। पेपरमिंट ऑयल कभी डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगा सकते, डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाएंगे, स्किन बर्न हो जाती है। बस यू रखें, सूंघेंगे। चलो सूंघो सूंघ। अच्छा पानी में डालकर इसकी स्टीम भी लोग लेते हैं जिनके नाक बंद हो जाते हैं, साइनस विक्स वगैरह लगाते हैं, यही तो चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई 18 साल की है, अल्लाह काश मैं भी ऐसी लगती थी। कितनी प्यारी छोटी सी मिट्टी सी लग रही है। हाँ वो तो आप दे रहे ना मुझे एज रिवर्स ऑयल। जी बिल्कुल दे रहे हैं। और एक आप वो भी तो बता रहे हैं ना, एंटी एजिंग मास्क क्या बना रहे थे आप? अच्छा ये बहुत सस्ता सा, क्योंकि हमने जो ऑयल बनाया 15-20 हजार रुपए में लोग खरीदते हैं, यही थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। गोंद कतीरा ले लें। ये गोंद कतीरा है? ये गोंद कतीरा पिसा हुआ। अच्छा ये आपने 1 कप पानी के अंदर आधी टीस्पून जो है डालनी है। हाँ। इसको आप मिलाएंगे। अच्छा ये जहन में रखिएगा, मिला के अक्सर बहनें भूल जाती हैं। 1 मिनट के बाद अगर आपने इसको रखा तो ये जेल की तरह बनते बनते टावर बन जाएगा। अच्छा तो आपने जेल नहीं बनने देना है, हल्का सूप की तरह होगा। अच्छा फिर बस 1-2 मिनट में सूप की तरह गाढ़ा सा हो जाएगा, आपने उठाना है और अपनी स्किन को पिलाना है।
आप जहाँ जहाँ रिंकल्स अप्लाई चेहरे पे और उसको जब ये मतलब खत्म हो जाए तो 10 मिनट छोड़ दें, उसके बाद पानी से मुंह धो, जेल नहीं बनने देना, जेल नहीं बनने देना। अच्छा अच्छा, इसकी एक और ब्यूटी बता देता हूँ कि आपने ये लगा के 5-10 मिनट छोड़ के जब चेहरा धोना है कुछ बगैर लगाए, आपको लगेगा आपने 3-4 हजार का फेशियल कराया है, इतना ग्लो करता है। अच्छा, बोन कतीरा और पानी था बस बस। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बताना चाह रहा था, जोजोबा और मोरक्कन, ये मोरक्कन ऑयल है, ये जोजोबा ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है। दोनों ऑयल्स को, और दोनों ऑयल को हम वजन लेकर आप अपने पास रख लें, ये आपके रात में लगाने के लिए, जो गोंद कतीरा लगा रहे हैं वो स्किन को टाइट बहुत ज्यादा करता है। हाँ। तो रात में जरूरी है कि आप जोजोबा और मोरक्कन ऑयल के चंद कतरों से उनाप का तेल मसाज करें, ये एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और स्किन बहुत उनाप का तेल जी, ठीक है, ये इसके लिए था, ये इसके लिए एंटी एजिंग का, एंटी एजिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएंगे एलोपेशिया, एलोपेशिया जो बाल दाढ़ी के नहीं आ रहे होते, बहुत सारे लड़कों के, खवातीन के सर के बाल एकदम ये गायब हो जाते ना, जगह 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 जगह, खासतौर पे एज ज्यादा हो जाती है तब। इसका एक छोटा सा नुस्खा मैं भी बताऊंगी जब ये बता देंगे तब। अच्छा अच्छा, करना क्या है आपने, ये एलोपेशिया के अलावा वो लोग जो समझते हैं कि गंजपन हो गया है, अब उनके बाल झड़के इतने कम हो गए हैं कि स्किन नजर आ रही है, वो मर्द हो या खवातीन हो, अच्छा इसके दो ऑयल हैं, एक तो आप बना सकते हैं इसको तिलों के तेल में, ठीक है, अगर आप स्मेल बेयर कर सकते हैं तिली के तेल में, अच्छा अगर आप स्मेल बेयर कर सकते हैं तो फिर आप लीजिएगा एग ऑयल, देसी अंडे का तेल होना चाहिए, हाँ बहुत स्मेल, मतलब अगर आपके पड़ोसी परेशान नहीं हो आपसे, यानी कोई मैरिड है तो उसका पड़ोसी हस्बैंड होता है, वो उतंग ना हो तो वो लगा सके, है वो रखा है क्या हमारे पास है जी, बिल्कुल एग ऑयल ये पड़ा हुआ, तो यहाँ स्मेल नहीं हो इसलिए हमने यहाँ पे चूज किया है तिलों का तेल, लेकिन एग ऑयल तो फिर औसम हो जाएगा। आपने क्या करना है, बरहमी बोटी 200 ग्राम यहाँ तेल पड़ा हुआ है, 200 ग्राम तेल में हम डाल रहे हैं 20 ग्राम बरहमी बोटी, अभी हम दिमाग की ताकत की बात कर रहे थे, वो बरहमी बोटी की बात हो रही है, बरहमी बोटी, हाँ जी, और ये बाल जड़, पाउडर मुझे नहीं पता था कि मिलता है, नहीं हमारे यहाँ सब पाउडर ही मिलता है, वेरी नाइस, हम मेहनत करने देते हैं लोगों को। अच्छा जी, 20 ग्राम बाल झड़ ऑयल डाला आपने, आपने 200 ग्राम में 20-20 ग्राम डालकर इसको आप हल्का सा पकाएंगे, हल्का सा पकाने के बाद ये डिल्यूट हो जाएगा, दोनों हर्ब गायब हो जाएंगे, इसमें थोड़ी सी थिकनेस आएगी, जब आप देखें ये थोड़ा सा 15 से 20 मिनट पकाने के बाद आप इसको ठंडा करें, वापस बोतल में डालें, बालों की जड़ों में हल्की सी, अच्छा जिनको एलोपेशिया उसके लगाने का तरीका चेंज हो जाएगा, सूती कपड़ा लेंगे आप, सूती कपड़ा उस जगह पे पहले हल्का हल्का मसाज करके ब्लड की सर्कुलेशन को तेज करेंगे, जब ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी खासी हो जाए तो आप तेल ऊपर से लगाएंगे, जहां बाल आप इतनी ट्रीटमेंट करने के बाद नहीं निकल पाते हैं, अल्लाह ताला ने चाहे इससे निकल आते हैं, और ये वैसे भी लगा सकते हैं जो बाल बहुत ज्यादा घने चाहते हैं और उनका वॉल्यूम कम है, तो एलोपेशिया से लेकर घने बालों तक दोनों में काम आता है, ठीक है। आप तुम बताओ तुम क्या, बहुत आसान है, इधर ये वो तेल है, ये वो तेल है जिससे अपना काउंटर बाल अगर बड़े करने और लोगों ने शॉर्ट बाल कटा लिए डैमेजेस की वजह से या ड्राइनेस की वजह से, तो सिंपली ये प्याज है, प्याज को ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके आपने क्या करना है कि कोई भी मलमल का कपड़ा लेना है उसमें डालना है, छन्ना लेना है उसमें डालना है, और उसका पानी निकाल लेना है, प्याज को ग्राइंड करके उसके बाद उसका पानी निकाल लिया, अब ये पानी जब निकाल लिया तो मेरे पास ये वाला तेल है, बादाम नहीं बादाम का नहीं, ये जैतून का तेल है, जैतून के तेल में हमने मिकदार बराबर की मिक्स करके दैट्स इट, और ये हर 3 दिन के बाद लगाना, और ये विटामिन ई की कैप्सूल्स हैं, कोई भी कील का इस्तेमाल लेके ना, विटामिन ई की कैप्सूल्स स्किन के लिए भी अच्छी है और बालों के लिए भी, अच्छा तो जितना भी है इसमें 2 कैप्सूल डाल के, और उसके बाद इसको आप वैसे भी अगर हर 2-3 दिन के बाद लगाएं तो आपके बालों की लेंथ जो है मैं आपको गारंटी करती हूँ कि 1 हफ्ते में इस इंच तक तो बढ़ जाएगी, 2-1.5 इंच बढ़ जाएगी। अच्छा, तुमने विटामिन ई की 2 कैप्सूल डाली है, कैप्सूल डाली है, तुमने प्याज का पानी डाला है और जैतून का तेल, गंजपना भी खत्म हो जाएगा कि बिल्कुल बाल झड़ भी खत्म हो जाएगा, अगर कहीं बिल्कुल सफेदा आ गया किसी अंदर किसी स्कैल्प में तो वो भी ठीक हो जाएगा, और ये प्याज का अर्क और ये बाल ऐसे लंबे करेगा ऑलिव ऑयल के साथ, मगर ऑलिव अगर आपके पास ऑर्गेनिक है तो उसकी क्या ही बात है, और जब इसको ऑलिव के साथ डालते हैं ना तो इतनी बदबू नहीं होती इसमें, और विटामिन ई की कैप्सूल भी जब डालिए तो प्याज की बदबू नहीं होगी, इसलिए आप एक शैम्पू से उसको निकाल के आराम से रख सकते हैं, मगर बालों की सिल्कनेस, नीचे जो 2 मुहे बाल
डैमेज बाल वो इतने अच्छे हो जाते हैं कि मैं गारंटी करती हूँ अभी भी कोई इस्तेमाल करेगा तो आपको कल भी कॉल करके कहेगा कि मेरे दो मुंह बिल्कुल स्ट्रेट पे एक एक वॉश से हुए। प्याज का पानी, जैतून का तेल और विटामिन ई की दो कैप्सूल जी। और जो नीचे की नोके जब बिल्कुल फट जाती हैं, जिसपे कंघा नहीं गुजरता है बालों से, उसके लिए ये कि आपने ये लगा लिया और सारी रात रखा और सुबह उठ के आपने टॉवल को गर्म पानी में डाला खोलते हुए पानी में और उसको निचोड़ के फिर सर के अंदर उसकी स्टीम ले ली, क्योंकि घर में नुस्खा यही हो सकता है, हमारे पास स्टीमर तो होता नहीं, उसकी स्टीम ले ली। स्टीम लेने के बाद आप फिर जब वो बिल्कुल थोड़ा सा टॉवल नॉर्मल हो जाए, ठंडा नहीं नॉर्मल हो जाए, फिर आप जाके उसको बात ले लें और सर जब भी धोएं इन तेलों के बाद, फिर ये देखें फिर हमारी गलती नहीं होती जब आप गलती करते हैं, जब जी इस तरह के तेल लगाएं और अपनी चीजों को बाल लंबे करें नरम करें, तो आपने करना ये कि सर को गर्म पानी से नहीं धोना, आप सर पे कैप पहने, थैली पहन लें, सस्ती सी शॉपर लेके बांध लें, आप पूरी बॉडी को गर्म पानी खोलते पानी से धोएं नहाएं कुछ भी करें, मगर सर आपने आखिर में नॉर्मल जो टेम्परेचर ठंडा पानी होता है उसी से, हाँ नीम गर्म कर सकते हैं रूम टेम्परेचर, उसी से धोएं, क्योंकि बाल उसे ड्राई हो जाते हैं गर्म पानी से धोने से, फ्रिजी हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, तो वरना फिर ये तेल काम नहीं करेंगे अगर आप ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा जी जी, डॉक्टर उम्मे राहील से मैंने इनफर्टिलिटी के बारे में पूछना है, मैं अगले सेगमेंट में इनफर्टिलिटी के ऊपर पूछूंगी, इस वक्त मैं और क्या पूछ सकती हूँ? फैट मेल्टिंग ऑयल। फैट मेल्टिंग ऑयल, ये बात है। अच्छा, फैट मेल्टिंग ऑयल डिफरेंट चीजें हम कर रहे होते हैं चर्बी घुलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है इससे फैट, कहीं का भी फैट हो वो भी खत्म होता है, और डबल चिन के लिए तो बड़ी जबरदस्त चीज है ये। अच्छा, ये डबल चिन पे भी आप इसको लगा सकते हैं। इसमें हमें चाहिए तारामीरा का तेल। तारामीरा का तेल कितना? हम तमाम तेल जो है हम वजन लेंगे। अच्छा, अभी हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून, और साथ में हम तेल ले रहे हैं कस्तुल बहरी का, रोगन कस्त, ठीक है ठीक है। ये 1 टेबल स्पून कस्तुल बहरी, हाँ कस्तशीरी आती है और कस्तुल बहरी आती है, ठीक। मालकंगनी, मालकंगनी का तेल, मालकंगनी ठीक है, और बे लीफ तेज पत्ता, बे लीफ तेज पत्ता, और इसके साथ जो है ये तमाम जो अभी तक मैंने 4 तेल डाले हैं, ये वजन को, चर्बी को घुलाने के लिए और स्किन को टाइट करने के लिए मतलब बहुत ही एक्सीलेंट दर्जा रखते हैं। और इसमें आखिर में हम डालेंगे नरोली ऑयल, ये भी 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, ये बस तेल आपका बन गया है, आपने इसको करना किया है कि इसको मसाज करना है, जहां भी चर्बी है जैसे भी आपने मसाज करके इसमें गर्मी पैदा करनी है। अच्छा, हीट आपको फील होनी चाहिए। अच्छा, और उसके ऊपर कोई कपड़ा बैंडेज कोई चीज बांधे ताकि गर्मी आपको पैदा, थोड़ा पसीना आए। अच्छा, जितनी गर्मी आपको फील होगी पसीना आएगा उतनी तेजी के साथ जो है ना चर्बी घुलेगी। शी सो राइट, क्योंकि जब बॉयज जाते हैं ना जिम और वेट उठाते हैं, उनका फैट्स होता है बहुत सारी जगहों पे, तो उनको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर होते हैं पुराने जमाने के जो बहुत ज्यादा बहुत ही वो नहीं गुश्तियां करते हैं, उनको इस तरह का तेल और ये जो तेज पत्ता का तेल, ये सारा तेल दिया जाता है का तेल, ताकि उनका वेट का चर्बी जो है वो हट जाए और इस समय ताकत गर्मी जो है वो आए। अच्छा, क्योंकि पसीना छोड़ती है ना बॉडी, हीट अंदर से निकालती है, तो तेल लगा के और ये हल्का सा जिस्म में लगता भी है, फिर उसको कहते हैं कुश्ती करो, वो पहलवानी करो, वो खड़े में आओ, तो ये सब उसके बाद एक तेल और थोड़ा महंगा मिलता है, जाफरान का तेल। अगर वो, अच्छा वो हम ब्रेक के बाद आके बताते हैं। अच्छा, एक जरूरी आज ही मैं बता दूं, इतने अरसे से माशाल्लाह मैं शो कर रही हूँ, तो जाहिर हर डिजाइनर के कपड़े पहन लिए, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि नए डिजाइनर्स जो चाहते हैं कि मैं उनके कपड़े पहनूं, वो मुझे व्हाट्सएप पे हमारे नंबर्स पे, अगर हमारा नंबर प्लीज मेरी टीम चला सकती तो चला दे, व्हाट्सएप पे अपने कपड़ों की पिक्चर्स भेजें ताकि मैं नए डिजाइनर्स को भी प्रमोट कर सकूं, या फिर मेरे फेसबुक पेज जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का फेसबुक का पेज है ऑफिशियल पेज, उस पर प्लीज अपने कपड़ों की तस्वीरें भेजें। जो मैंने अभी कपड़े पहने हुए हैं, आपको पता है मेरे पड़ोस में कुछ, मेरे आगे कुछ 4-5 गलियां छोड़ के 2 बहनें रहती हैं, एनी और महक, वो मेरे घर पर आए कि हम नए हैं कपड़े लेकर आए, तो मुझे उनके कपड़े अच्छे लगे, तो ये आज मैंने एनी और महक का की टॉप पहनी हुई है। तो इस तरह आपको भी मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ, आप अपनी प्रमोशन करें, लेकिन उसके लिए कपड़े मुझे पसंद आने चाहिए, ठीक है जी। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रहिए हमारे साथ और भी ज्यादा फायदे हासिल करने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, इससे पहले कि मैं फिर दोबारा से चलूं अपने नुस्खों की तरफ, ऑयल के फवायद, मैं एक बात बताना चाहती हूं और मुबारकबाद भी देना चाहती हूं। डॉक्टर ईसा वो पहले पाकिस्तानी है जिन्हें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे ना अवार्ड मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो से, यानी 800 अलग अलग ममालिक से लोग डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन 5 अवार्ड में से 1 अवार्ड जो है हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर ईसा ले गए, तो बहुत बड़ी मुबारक हो।
मेरा तो आपको बहुत अच्छा अच्छा वैसे अवार्ड क्या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया था वो बना के भेजा था बेसिकली अपनी अपनी रिसर्च हर कोई भेजता अच्छा। है पूरी दुनिया से लोग भेजते हैं और मुझे जब इनवाइट किया गया तो हकीकत सच्ची बात यह कि मुझे यकीन नहीं था क्योंकि वहाँ इतने सीनियर लोग आए हुए थे कनाडा यूएसए ये वो अच्छा फिर वो इन मुसलमान का तो होता है ना कि अल्लाह ताला भला करेगा तो एक अवार्ड चला गया फिर दूसरा चला गया दुआएं समेटते इतने सारे आपने उसके तीन चला गया चौथा चला गया होते टोटल पांच है जब चौथा चला गया मैंने कहा दो बारी गई पांचों पे अल्लाह ताला ने हमारा नाम अनाउंस करा दिया मुबारक आपको बहुत बहुत अच्छा अब आप क्या बता रहे हैं एकनी के लिए दाने दाने ये मेरे भी निकला हुआ यहाँ पे एकनी के लिए बिल्कुल एकनी के लिए आप क्या करें एक टीस्पून मुल्तानी मिट्टी ले लें ठीक है जी उसमें आपने ऐड करना है कोकोनट ऑयल इतना कोकोनट डालें कि ये पेस्ट बन जाए अच्छा मतलब कोकोनट ऑयल इतना आप डालें कि ये पेस्ट बन जाए अच्छा ठीक है हम ला दें आपको अपना वाला अगर आपका जम नहीं नहीं कोई मसला वहाँ पे रखा है ना पिज्जा के पास ठीक है जी कोकोनट ऑयल आप डालेंगे इतना कि ये पेस्ट बन जाए उसके बाद आप क्या करेंगे टी ट्री ऑयल पांच ड्रॉप्स अगर एक टेबल स्पून है मुल्तानी मिट्टी और उसमें आपने कोकोनट ऑयल डाल के पेस्ट बनाना है तो फाइव ड्रॉप्स आप ले लें टी ट्री ऑयल के ठीक है अब आपने क्या करना है मिक्स करने के बाद ये पेस्ट बन जाएगा आप उठाएं जहां जहां दाना है उसको पेस्ट लगा दें जहां जहां दाना है 20 से 25 मिनट छोड़ दीजिएगा अच्छा ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये जो टी ट्री ऑयल होता है बहुत तेज होता है तो अक्सर लोग बना के ना पूरे चेहरे पे लगा देते हैं तो ये स्किन को थोड़ा बर्न भी करता है और थोड़ा ब्लैक भी करता है तो कोशिश करें सिर्फ दाने पे लगाएं अच्छा जिनके बाल गिरते हैं तो यही टी ट्री ऑयल चंद कतरे आप शैम्पू में डालकर आप मसाज करें तो हेयर फॉल रुक जाता है इसके बेनिफिट बहुत सारे टी ट्री ऑयल अच्छा अच्छा अगला सवाल मेरा डॉक्टर उम्मे राहील से है जोड़ों का तुम्हें कभी जोड़ों का दर्द होता है डाइटिंग कर करके एक्सरसाइज से होता है एक्सरसाइज से हमेशा होता है जोड़ों का दर्द हम लोगों को तो ज़ाहिर है एक्सरसाइज या भागदौड़ करने से होता है लेकिन हमारी माओं को हमारे ज़ाहिर उम्र की वजह से भी होने लगता है और उसके बाद बहुत सारी खवातीन जो एक्सेस काम करती हैं घर के सारे काम करती हैं बच्चों को देखना एक जो रूटीन उनका जो लाइफ का बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है जोड़ों में दर्द अच्छा हम लोग बहुत सारी चीजें बता रहे होते हैं कि जोड़ों का दर्द का इलाज नहीं है लेकिन अभी जो मैं बताऊंगी वो उसमें आराम नहीं आ रहा उसमें वो अल्टीमेट इलाज है अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा इसमें जो है हम लेते हैं आग के पत्ते आग आग नहीं आख अलिफ मद आ और काफ ये अक्सर बचपन में जब तोड़ते होंगे ना इस पत्ते को तोड़ने के बाद इसमें से दूध निकलता है आख के पत्ते जी के पत्ते लेते हैं अच्छा आख के पत्ते जैसे पंसारी से अगर हम ले रहे तो सूखे हुए मिलते हैं तो हम थोड़े पानी में डालते ताकि नरम हो जाए और उसके बाद हम उसका अर्क निकालते हैं अच्छा मतलब उसको नरम करके फिर उसका अर्क निकालते हैं और उसमें हम डालते हैं जैसे मैंने निकाल रखा है ये उसमें हम डालेंगे जितना पानी होगा उतना जूस निकलेगा उसका उतना ही तिल का तेल डालेंगे ठीक है अच्छा ये तो हमने मिला के रख लिया इसको पकाएंगे इतना पकाएंगे कि पानी पूरा खुश्क हो जाए तेल रह जाए जो तिल का तेल रह जाएगा जो कि आग के पत्तों का जूस के साथ इस तेल की जो है मालिश करनी है ठीक है जहां जहां पे भी दर्द है जोड़ों के दर्द के अच्छा खास बात यह कि इसकी मालिश करनी आधे घंटे तक अच्छा आधे घंटे मालिश करने के बाद इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे लेकिन इस तेल की मालिश करने के बाद 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है बॉडी में कोई ठंडी चीज नहीं जानी चाहिए अच्छा 3 घंटे छोड़ देंगे और साथ साथ क्या करेंगे ये मैंने इसकी पोटली बना के रखी है आग के पत्ते ही लिए हैं अच्छा इसकी ऐसी जैसे पोटली सी बना ली है और इसको सरसों के तेल में जैसे मैंने डिप करके रखा है ये सरसों के तेल में आपने डाला और इसको हल्का सा जैसे आग पे गर्म किया और इसकी जैसे सिकाई करी उधर जहाँ पे मालिश की जहाँ पे मालिश की जहाँ की सिकाई की और इसको ढक के रख दी आप कुछ ही दिनों में जो जोड़ों का दर्द होता है जो भी सूजन है दर्द है जो कहते हैं कि इलाज नहीं हो सकता है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है आग के पत्तों का जो है बहुत फायदा होता है मेरे पास एक मुतंजन तेल है मुतंजन यस मुतंजन तो खाने का नाम होता है बड़े बड़े कुछ पुराने जमाने के हकीम नहीं होते थे जिनको दिखता भी नहीं अरे बेटा के डर हो का क्या अदा हो तुम्हारी नफ्स देख के बताऊं हाँ अच्छा तुम शुगर की मरीज हो हाँ नफ्स में बता देते थे तो वो वाला एक तेल है मेरे पास अच्छा बड़े मजे का है वो क्या बताएगा वो यार वो ये बताएगा कि पांच मुतंजन चीजें एक तो दाने नहीं निकलेंगे एक तो दानों के साथ पोर्स भी बंद हो जाएंगे पोर्स है एंटी एजिंग भी साथ साथ है रंग गोरा करेगा अच्छा ठीक है उसके बाद आपकी स्किन को टाइटनिंग देगा और तीसरी बात ये कि मुंह के बाल कम करेगा ये गारंटी है ये तो सारी चीजें एक साथ हो गई ना बेस्ट हो गया इसे कहते हैं मुतंजन तेल मुतंजन तेल अच्छा इसमें करना ये है कि हमने ये स्वीट आलमंड जो कड़वे एक तो बादाम का होता है नहीं
ये मीठे बादाम का स्वीट आलमंड लेना है एक एक मिकदार में, आप डालें, आप डालें, मैं ताकि मुझे याद रहे ना, ठीक है। ये तो दूसरी चीज है, सॉरी, ये टी ट्री ऑयल के ड्रॉप्स डाल लें, चम्मच में चार कोई ड्रॉप्स आप डाल लें, पहले इधर डालू ना गड़बड़ ना हो जी, ये एक डर लग रहा है, दो सही है, आ गए चार बने बादाम, ठीक है हो गया आपका। हाँ, और उसके बाद आपका हो गया ये जैतून का तेल, ये लीजिए जैतून का तेल, कितना डालना है इसकी सेम मिकदार जो आपने स्वीट आलमंड डाला, जितना आपने मीठे बादाम का तेल डाला है उतना ही जैतून का डाल दिया, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आपने कोकोनट का तेल डालना है सेम मिकदार में, कोकोनट का तेल सेम मिकदार, मैं पहले उसमें डालूंगी, ढक्कन हटा दो, उठा दो, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, रोगन वो स्वीट आलमंड ऑयल, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ये कैप्सूल्स आप डालेंगी पांच, वही ये इसके अंदर सुई करके सुराख करके, एंड देन ये विटामिन ए के कैप्सूल, ई जो स्किन ग्लो करेगी, मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। अच्छा ये चाहिए तो मैं देती हूँ, तुम करती जाओ, मैं ये इसको सुराख कर करके देती हूँ। अच्छा वाइट कितने, पांच पांच, आई हाय कितना मुश्किल है सुराख करना, थोड़ा मुश्किल है। और ये सारे तेल वाइटामिन ई जो है उसकी बॉटल्स भी मिलती हैं, बिल्कुल पता नहीं यहाँ मिलती नहीं, मैं तो दुबई के वहाँ से ड्यूटी फ्री शॉप से लेकर आई हूँ एयरपोर्ट से, हमारे यहाँ लूज भी मिल जाता है किसी को, मिल जाता है लूज, जी जी बोतल भरी पड़ी हुई वाइटामिन ई की, वाइटामिन ई, हाँ क्योंकि देखे ना आप कैप्सूल निकालेंगे तो कीली ना चुप जाए मेरे हाथ में, पांच हो गए चार हुए, ये एक और बस, एक और ठीक है, और थोड़ा सा सरसों का तेल भी, ठीक है उतना, ए ओके पांच हो ये। अच्छा सरसों का कितना कितना तेल डाला तुमने, ये सरसों का थोड़ा सा मिकदार कम रखेंगे, हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक भी सरसों को छोड़ नहीं सकते, सिर्फ से ड्राइनेस मुख्य खत्म हो जाएगी, और ये तेल बालों में डाल रही हूँ मैं, तेल हाथ में लगे हुए, बालों में हाथ फेर रही हूँ, सारे बाल ऑयली ऑयली हो गए, ये कोई तो अपना हाथ देगा एक मिनट के लिए, ये तेल बना के रख लें घर में सारी जिंदगी, इसको यूज करें तो ना तो मुंह पे कोई ड्राइनेस ना दाने, मैंने 6 दिन से सिर्फ ये तेल इस्तेमाल नहीं किया, मेरी स्किन पे ड्राइनेस आ गई है, मैं कसम उठा सकती हूँ, सिर्फ 6 दिन के लिए, यही नाइट क्रीम है, यही सब कुछ है। अच्छा इसका तरीका ये होता है कि इसको इस्तेमाल करें, मसाज करें, मुंह पे टाइटनिंग भी रहेगी ना अच्छी तरीके से, ये तो सी है, तुम और कोई आ जाए ना दूसरी, ये रिंग उठा दादी से करवा दूं, इसको जरा भारी हाथ से ना सही वाला मसाज करके अच्छे से हाथ में मुंह पे अच्छी तरीके से मसाज करके, और भी दे दो कोई चीजें हैं बहन और उसके बाद जो है ना कोई सा भी टिश्यू या गरम करके टावल को जो है ना भिगो के उसके बाद उसको पोंछ दिया और इसका इफेक्ट उसी वक्त आ जाता है, और सारी रात ऐसे ही सोना है, मुंह को भी गरम करके पोंछें, मुंह को भी हाँ गरम टावल से या फिर कोई सादे टिश्यू से, एक तो पूरा मुंह क्लींस हो जाएगा, सारी गंदगी निकल जाएगी, हाँ ये देखो ना हाथी धो के आई थी बदतमी, ठीक है, और अपनी स्किन देखो खुद देखो, और सुबह उठोगी तो कैसी स्किन होगी देखो, वाओ ये सारी औरतों को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा एक दफा मैं रिपीट कर दूं ताकि मुझे भी टिश्यू दे दो ना, हाँ तुमने डाला इसमें सबसे पहले स्वीट आलमंड, मीठे स्वीट आलमंड, बादाम का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ठीक है, खोपरे का तेल, ठीक है, टी ट्री ऑयल थोड़ा सा, हाँ और बस ये कैप्सूल्स, और विटामिन ई की पांच कैप्सूल, पांच कैप्सूल, और उनको तुमने सबको मिला के रख दिया, और अगर रंग गोरा करना है तो मैंने अपने तेल में सरसों नहीं डाला हुआ, अच्छा ठीक है तो आप भी ना डालिए, अच्छा रंग गोरा करना, अगर रंग गोरा करना तो सरसों, तो सरसों ना बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ठीक है, तो फिर आप इसको रेगुलरली सारी जिंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये कैप्सूल जरूर होनी चाहिए, हरी भी मिलती है मार्केट में, हरी मिले तो हरी भी ले लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छी होती है, अच्छा बहुत अच्छी है, और सब इफेक्ट बोलेंगे कि ये, और टी ट्री इसलिए डलवाया था क्योंकि टी ट्री से देखते हो तो दाने जो आपके स्काफ हो जाते हैं उसके अंदर पस पड़ जाती है, कील में हंस हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, और ड्रॉप्स के तौर पे इसको डालना है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, और ये मुंह के बालों को भी कम करेगा, मतलब मुंह पे जो आपके बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है वो कम करेगा, लड़कियों को तो पहले ही रेगुलर इस्तेमाल करके, ये नाइट क्रीम है आपकी प्रॉपर, जबरदस्त भाई बहुत अच्छा। अरे मुझे इनफर्टिलिटी के लिए पूछना था, वो तो वाइंड अप करने को कह रहे हैं, बस मैं ऑयल बता देती हूँ, जल्दी से बता दें, तेल और उसका सौंफ का तेल, अगर अगर औलाद नहीं हो रही है तो इसकी किसको खाना पीना लगाना है सिर्फ, और ये एसेंशियल ऑयल चाहिए, मतलब सादे तेल नहीं है, एसेंशियल ऑयल है, अदरक का तेल है, सौंफ का तेल है, और कैमोमाइल बाबूना का तेल, ये तीन तेल औरतें लगाने लोअर एब्डोमेन में, और जाफरान का तेल और मालकंगनी का तेल मर्द ने लगाने कमर पे, दोबारा से बताइए मर्द वाले, मालकंगनी और जाफरान, ओके ठीक है, बैक पे लगाना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उम्मे राहील, डॉक्टर ईसा, फिजा आपका,
कि आपने इतनी जबरदस्त चीजें बताई और भी बहुत कुछ पूछना था, टाइम इतना छोटा है पता नहीं कि जल्दी खत्म हो गया शो, पता भी नहीं चला शो इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव था यार, इतनी नॉलेज, बहुत सारी चीजें जानी आज हमने आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।